तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर को नीविडमर आज की वीडियो में आपको नंदन वन जू और सफारी यहाँ की कराने लेकर आया आऊँ और इस वीडियो में आपको यहाँ की सारी जानकारी भी शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं क्या टाइमिंग्स हैं यहाँ की क्या टिकट प्राइस है और अंदर आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलने वाले हैं तो सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड होगा तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो तो हम आ गए हैं नंदन वन जू सफारी करने और इस जगह की लोकेशन की बात की जाए तो होगी सेक्टर थर्टी नाइन खंडुआ अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ की बाकी टाइमिंग्स की बात की जाए तो होगी सुबह साढ़े नौ बजे लेकर चार बजे तक और मंडे के दिनों में ये बंद रहेगा सोमवार के दिन ये बंद रहेगा तो अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी टिकट काउंटर वहाँ सामने है और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पर्सनल व्हीकल से आना जूक के साथ आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगी बेस्ट तरीका यही है अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पे आना अपने टू व्हीलर से आ सकते हैं फोर व्हीलर से यहाँ पे आ सकते हैं ये देखिए पार्किंग के रेट्स से यहाँ पे लिखे हुए कार पचास रुपये ऑटो तीस रुपये मोटरसाइकिल बीस रुपये और बस के सौ रुपये के चार्जेज हैं सामने आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है जंगल सफारी एंट्री तो यहाँ सामने से तो नंदन वन जंगल सफारी नवा रायपुर का टिकट काउंटर वहाँ सामने है तो चलिए उस तरफ चलते हैं तो सामने यहाँ पे है टिकट काउंटर और यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे के दिनों में जो जू है ये बंद रहेगा अंदर आपको जू भी देखने को मिलेगा और सफ़ारी भी करने को मिलेगी तो ज़ू की बात की जाए चिड़ियाघर की प्राइस की तो वो होगी भारतीयों हो की पचास रुपये और भारतीय बच्चे की बारह से अठारह वर्ष के जो कि हैं पच्चीस रुपये और जो बारह वर्ष से कम उम्र के उनकी फ्री टिकट होगी यहाँ पर इसके अलावा वैसे अगर आप सफारी यहाँ पर करना चाहते हो तो नॉन ए में भी कर सकते हैं बस में और ए बस में भी कर सकते हैं और भारतीय की टिकट होगी सौ रुपये अगर आप नॉन एसी बस में करना चाहते हैं और भारतीय बच्चे की पच्चीस रुपये और बारह साल से सा कम की उम्र के जो हैं बच्चे उनकी फ्री टिकट होगी बाकी फॉरनर बच्चे की भी यहाँ पर टिकट लिखी हुई और ए बस फ़ारी के आपको पचास रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे एक अडल्ट को और बच्चे को देने पड़ेंगे पच्चीस रुपये ज़्यादा इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो डिजिटल कैमरा वो होता है ना डी वाला उससे करनी है तो सौ रुपये और वीडियो कैमरा के पाँच सौ रुपये इसके अलावा बोटिंग भी अंदर कर सकते हैं उसके एक अडल्ट के सौ रुपये और एक बच्चे के पचास रुपये के चार्जेज होंगे इसके अलावा जो सफारी यहाँ पे होती है वैसे वो होती है सफारी टाइगर सफारी बियर सफारी और हरबी वर् सफारी तो इनके चार अलग, अलग अलग एरिया बना रखे हैं जहाँ पे आप चार अलग टाइप की सफारी कर पाएंगे लेकिन एक ही मतलब बस राइड में चारों सफारी हो जाती हैं हरबी वर् सफारी में आपको बस साम्बर डियर स्पॉटेड डियर ब्लैक बको और नीलगा देखने को मिलेगी बाकी भालू टाइगर और लवैन की अलग सफारी है तो टिकट काउंटर के साथ आपको एक लगेज काउंटर भी दिख जाएगा यहाँ अपना बैग रख सकते हैं फ्री में ये देखिए मेरे को टोकन मिल गया है और मैंने अपना बैग रख दिया अंदर तो ये हमने जू की टिकट ले ली है चलिए जू के अंदर हम चलते हैं वहाँ सामने सेंटर है। अंदर जा रहे हैं हम इस ज़ू के चलिए तो ज़ू की एरिया एक्चुअली बहुत बढ़िया है सफारी करने का एरिया अलग है और ज़ू का एरिया अलग है इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में सेल्फी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे ये मैप है ज़ू का और यहाँ पे मैं ये वाला जो सेल्फी पॉइंट है वो दिखा देता हूँ चाहे आपको जू देखना है चाहे आपको सफारी देखनी है आपको ये बस लेनी पड़ेगी सामने ये है सेल्फी पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है जंगल सफारी नया रायपुर बाग बना हुआ है इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखाया गया यहाँ पे और यहाँ पे टाइगर और मोर भी है देखिए तो इस बस से हम कुछ पोर्शन है जू का जो देखेंगे चलिए अंदर बैठते हैं इस बस के <laughs> सारी बोटिंग करने के लिए कितनी बड़ी लेक है ये तो सफ़ारी करने की एरिया अलग होती है और ज़ू की एरिया अलग होती है सफ़ारी करने के लिए यहाँ साइड पे है और ज़ू करने के एरिया यहाँ राइट साइड पे है और दोनों की दोनों एरिया के लिए आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेगी इस जू के और सफारी के लिए तो ये जो गाड़ी है अंदर चली जाएगी लेकिन ज़ू के लिए आपको पैदल ही अंदर जाना होगा और कोई भी बैटरी व्हीकल टाइप भी आपको नहीं मिलेगा अंदर तो पैदल ही घूमना पड़ेगा अगर ज़ू घूमना है आपने तो मैं आ गया हूँ सफारी ज़ू के एरिया के पास में और चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और घूमते हैं सारे की सारी, सारी जगह स्टार्टिंग में आपको ये बड़ा सा गेट सा दिख जाएगा यहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं तो ये गाड़ी होती है जो वैसे सफारी करवाती है आपको और आप देख सकते हैं उनके शीशे कितने बड़े बड़े हैं जिनसे आप जानवर को बहुत ही पास से देख पाएंगे तो अंदर की तरफ चलते हैं अब हम यहाँ से तो देखिए यहाँ से आप सारा का सारा मैप देख पा रहे होंगे ये वाली एरिया है सफारी की और ये वाली एरिया है जू जूकी अभी हम यहाँ पे हैं हमें देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर देखने को मिलेंगे पहले वाइट टाइगर फिर लैन फिर बाघ लेपड़ हाइना ऐसे गोल घूमते हुए वापस आएंगे हम यहाँ तक और लास्ट में हमें एवियरी देखने को मिलेगी ये देखिए ये चिड़ियाघर का एरिया और इसके अलावा ये हरबी वो सारी बियर्स वारी टाइगर्सवारी और लैंस फरी करिए ये वाला है बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक लेक से भी है जो आप देख पाएंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा वाइट टाइगर एशियाटिक लैन रॉयल बंगाल टाइगर लेपर्ड और हिमालयन बियर बहुत ही लंबी प्विचन है तो सबसे पहली एरिया है सफेद बाग की वाइट टाइगर की एरिया सबसे पहले पहला कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है और लिखा हुआ है वाइट टाइगर और ये चलने फिरने की एरिया बना रखी है और वाइट टाइगर शायद अंदर की तरफ है अभी यहाँ से दिखने दिख रहा है ना दिख रहा है

तो उसकी तो सच में बहुत बड़ी एरिया बना रखी थी वाइट टाइगर की और अब इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एशियाटिक लें तो अभी हम सुबह सुबह के टाइम आए हैं मोस्टली जो तो जानवर होते हैं सुबह सुबह के टाइम जागे होते हैं और शाम जैसी होने वाली है तब भी आपको ज़्यादातर जानवर जो हैं वो जागे हुए दिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एशियाटिक लैन बंगाल टाइगर वाइट टाइगर और इंडियन लेपर्ड देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में अब अगली एरिया यहाँ पे है एशियाटिक लैन की एशियाई सिंह के देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ एशियाटिक कहाँ पे आया शेर अंदर आया शेर शेर जंगल का राजा सामने देखिए ये है शेरनी लयनेस अब शेर के बाद यहाँ आगे है इंडियन लेपर्ड और यहाँ पे ना इन्होंने शीशा लगा रखा है जिससे ऐसे लगता है जैसे बहुत ही कम दूरी है हमारे बीच में अपने डन के अंदर जा रहा था लेपर्ड बाहर आता कभी अंदर चला जाता तो ये वाली तो लेपर्ड की रही थी इसके बाद हमें आगे देखने को मिलेगा पैंगल टाइगर ये देखे लिखा हुआ भाग अब अगली एरिया यहाँ पे है हिमालयन भालू की हिमालयन ब्लैक बियर की कहाँ पे है हिमालयन ब्लैक बियर वो देखे चुप के बैठा हुआ कैसे सो रहा पास है मेरे उसके बाद यहाँ आ गया है स्ट्राइप्ड हाइना स्क्राइब्ड हाइना ना बग्गा वो देखिए वो रसम लकड़ बग्गा दिख रहा है चक्कर काट रहा है गोल गोल ये सबसे क्लियर देखा है अभी तक अब आगे बढ़ के देखते हैं आगे कौन सा जानवर हमें देखने को मिलता है भेड़िया इंडियन वुल्फ सबकी इन्होंने बहुत अच्छी एरिया बना रखी है लेकिन जानवर कुछ हैं वो सो रहे हैं तो ये आप सामने देख सकते हैं ये भेड़िया सो रहा है एक भेड़िया यहाँ पे है और, और दूसरा भेड़िया हमारे सामने अब अगली एरिया है गोल्डन जैकल की चलिए गोल्डन जैकल देखते हैं कहाँ है? इधर तो पांच गोल्डन जैकल दिख रही हैं फिर उसके बाद ये अगली एरिया है वाइल्ड डॉग यानी ढोल के इस तरफ बनी हुई एरिया बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे सारी की सारी एरिया में दिखी है बस लेपड़ की एरिया जो थी वो थोड़ी अलग सी थी और यहाँ वहाँ सामने दिख रही है वाइल्ड डॉग लाइक जो वाइल्ड डॉग जैकल और ये भेड़िया होता ना बिल्कुल तो सेम दिखता और ये भी देखिए गोल गोल ऐसा चक्कर काट रहे हैं काट रही है काट रहा है बड़े तेज है गोल्डन जाकल जैसा दिखता वो पानी में गए अब अगली एरिया यहां पे है इंडियन फॉक्स यानी लोमड़ी की इंडियन फॉक्स लोमड़ी तो लोमड़ी अलग होती है अलग अलग जानवर है कोई गोल्डन जाकल अलग होती है लोमड़ी तो बहुत ही छोटी होती है इधर देखिए शीशे भी लगे हुए हैं और इस तरीके से भी लगा था देखिए लोमड़ी कितनी छोटी होती है लेकिन इसकी पूंछ कितनी लंबी होती है ये बैठे हुए फिर यहाँ पे ये भी दिखाया कि कौन से जानवर के सबसे ज़्यादा बड़े पंजे होते हैं देखिए हिप्पू का सबसे बड़ा पंजा होता है इंडियन फॉक्स जो भी हमने देखे उसके तो बहुत छोटे हैं स्लोथ बियर के थोड़े बड़े हैं टाइगर के इस तरीके से होते हैं और लाइन के भी सेम ऐसे ही होते हैं तो बच्चों के लिए भी मतलब बहुत कुछ नॉलेजेबल यहाँ पे फिर यहाँ आगे है गौर यानी इंडियन भाइसन तीन तीन यहाँ पर गौर है वो उसको निकारा उसके आगे इसका साइज कितना बड़ा होता है देखिए गौर का <laughs> अब गौर के बाद देखते हैं क्या देखने को मिलता है मैं तुमने लाइक आधा एरिया देख लिया है ज़ू का और यहाँ मैं देखने को मिल रही है जू सफारी कैंटीन वैसे साथ में चिल्ड्रन पार्क भी है ये देखिए कैसे गेम से बनाए हुए हैं <laughs> खाने पीने के लिए देखिए ये एरिया बना रखे हैं यहाँ पर समोसा पकौड़ा मिल जाएगा भील मैगी मिल जाएगी बर्गर खा सकता है बहुत चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी आपको आइसक्रीम भी खा सकता है और डोसा वगैरह भी मिल जाएगा ये देखिए इन्होंने कैसे एक ट्री पे चलने के लिए एरिया वैसी बना रखी है तो इधर भी ऊपर जाके फोटो खिंचवा सकते हैं अपनी आप और इसके साथ आपको एक चिल्ड्रन पार्क का भी एरिया दिख जाएगा जहाँ पे बच्चों के कई झूले हैं ये तो चलने फिरने की एरिया बना रखी है वैसे इन्होंने देखिए कितने ज्यादा झूले हैं बच्चों के यहाँ पे स्विंग्स हो गए शीशा हो हैं। अब ये वाली एरिया इन्होंने बना रखी है सांबर डियर की और सांबर डियर वहां सामने है तीन तीन दिख रहा है मेरे को वो देखिए तीन तीन एक तो ये है दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला सैम्बर डर ये है इसके बाद आपको और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप के हिरन वगैरह हैं जो देखने को मिलेंगे अच्छा अच्छा चौथा वाला वो देखिए वो रहा सामने उसके बाद यहाँ आगे हैं नील गए यानी ब्लू बुल जो मेल होती है वो ब्लू होती है और जो फीमेल होती है उसका कलर बिल्कुल हिरन जैसा होता कितने ज़्यादा देखिए ब्लू बुल है यहाँ पर ये देखिए ये सामने गाय है काफी बड़ा साइज है इनका और ये आ गया सबसे बड़ा वाला मेल वाला फिर इसके बाद आप देख पाएंगे स्पॉटेड डियर यानी चीतल तीसरा किस्म का हिरन जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो ये वाला है देखिए कितने ज़्यादा चीतल बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनका कलर जो है ना बिल्कुल ज़मीन के साथ मैच कर रहा तो ज़्यादा दिख भी नहीं रहे हैं एक बड़ा वाला भी है दूसरी तरफ जिसके सींग भी है मतलब मेल फीमेल का डिफरेंस यही होता है ऐसा कुछ फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे चिंकारा ये भी एक किस्म का हिरन है छोटा सा होता है इसके सींग बहुत पतले से होते हैं तो यहाँ पे घास इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची कर रखी है तो चिंकारा डियर भी देख नहीं रहा है या शायद पता नहीं पीछे की तरफ वो गया हुआ खाने कुछ और इस तरीके के इन्होंने रेस्ट पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं यहाँ भी बैठ सकते हैं आप आराम से जू बहुत भी बड़ा नहीं लेकिन मेन जो है वो यहाँ की जंगल सफारी है तो मैं चिंकारा को भी डियर बोला लेकिन डियर अलग होता है और मृग अलग होता है क्या इनके डिफ्रेंस आए यहाँ पर लिखे में इसके बाद यहाँ आगे आपको देखने को मिलेगा बारकिंग डियर ये बोला थोड़ा छोटा वाला हिरन होता है और बाकी आपको इस तरीके की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी जगह जगह पर मिल जाएगी तो अब देखते हैं हम काकड़ यानी यानी बारकिंग डियर ये सामने है बार्किंग डियर और पार्किंग डियर तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे दो तो ये फिर तीन ये रहा तीसरा वाला सीन से देखेंगे कितने लंबे से हैं हिरनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनका डिफरेंस पता चल जाएगा फिर सबसे छोटा वाला डियर सोरा भी आपको देखने को मिलेगा मोस्ट डियरली लेकिन उसकी एरिया भी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है कुछ काम वगैरह चल रहा है बहुत छोटी सी एरिया बना रखी है उसके लिए साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैक बक ये देखिए ये सामने ब्लैक बक की एरिया है और एक वैसे वाइट बक भी होता है लेकिन वाइट बक यहाँ तो फिलहाल दिख नहीं रहा इस वाले एरिया में तो थोड़ा जूम करके आपको ब्लैक बक दिखा देता हूँ सारे मेरी तरफ घूर रहे हैं जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पर वो बैठा सामने ब्लैक बक हैं तो एक्चुअली बस तीन ही ब्लैक बग यहाँ पे वैसे तो फिर यहाँ एक और एरिया है जहाँ पे आपको कई तरह के बंदर वगैरह देखने को मिलेंगे मीर कैट देखने को मिलेगी और ये नई एरिया है जो यहाँ की बनाई जा रही है फिलहाल ये एरिया बंद की गई है छोटे छोटे बंदर होते हैं ना बड़े यूनिक वो वाले देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे है कॉमन पाम सवेट यानी काला मुश्क बिलाव काला मुश्क बिलाव बहुत छोटा सा होता है लाइक इसका शरीर बहुत बड़ा नहीं होता और इसके बाद आपको हनी बेजर भी देखने को मिलेगा जो भारत के बहुत ही कम जूज में देखने को मिलेगा लेकिन ये वाला जो पाम सेवेट है ये तो देखने को मिल जाता है इस तरीके से शीशे लगाए हुए और ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो नहीं मेरे को तो दिख नहीं रहा फ़िलहाल मेरे को सच में दिखा नहीं है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है आगे एरिया है बिजू यानी हनी बाजर की मैंने कहा ना हनी बाजर दिखेगा तो ये अगली एरिया हनी बाजर की ही है यार ये दिख जाए बस क्योंकि ये भारत के बहुत कमजोर में देखने को मिलता शीशे तो बहुत बड़े बड़े लगा रखे हैं इन्होंने लेकिन एरिया भी बहुत बड़ी बड़ी है अच्छा वो अंदर घुसा हुआ उसके तो अभी वो इस एरिया को खोलेंगे शायद खोला नहीं अभी इस एरिया को उन्होंने माउस डियर है माउस डियर अंदर हनी बेजर नहीं माउस डियर दिख रहा है फिर अगली एरिया है यहाँ पे इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यू पाइन की इसके भी बड़ी अच्छी एरिया बना रखे हैं इन्होंने शीशे के साथ में तो दिखता है यानी ये देखना पड़ेगा हमें दो में इसके एरिया को खोला गया था ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा शाही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है देखिए ये है कीचड़ की एरिया में ये सोते हैं बहुत ही नकीले इनके बाल से होते हैं जो इनके शरीर पे लगे होते हैं फिर अगली एरिया है रेड एयर्ड स्लाइडर की और ये कछुआ है छोटा सा कछुआ होता ये पता है नहीं आपको दिख रहा नहीं होगा देखिए इसका जो कान होता है ना वो लाल रंग का होता तो इसका नाम रेड एयर्ड स्लाइडर है तो एक ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पर अच्छा तो ये इन्होंने बनाया हुआ है बटरफ्लाई गार्डन इसके अंदर ना कुछ ऐसे पौधे हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाई को तितलियों को काफ़ी बड़ा सा गार्डन बनाया हुआ है सच में मेरे को बहुत तितलियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा लेकिन इनकी एरिया कोई बंदे नहीं होते खुले में ही तितलियाँ आपको घूमती हुई दिखेंगी उड़ती हुई दिखेंगी नंदन वन के जू में आपको ये कॉमन बर्ड्स हैं जो उड़ते हुए दिखेंगे जैसे उल्लू हो गया मतलब तीन मतलब दो टाइप के तो उल्लू ही हैं जो देखने को मिलेंगे फिर कई छोटे पंछी हैं सुंदर पंछी हैं जो देखने को मिलेंगे फिर इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा पिग टेल्ड मकाक पिग टेल्ड मकाक तो ये भी मेरे को दिख नहीं रहा है ये अंदर शायद गया वा अपनी वाली एरिया में अभी और उसके बाद यहाँ में एक और बंदर देखने को मिलेगा जिसका नाम है असामीज़ मकाक वो भी शायद अंदर घुसा आगा असामीज़ मकाक यहाँ आपको दो एवेरी भी देखने को मिलेगी एक है वॉक इन लैंड वेरी और एक है वॉक इन वेट लैंड वेरी और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऊद पिलाव दरियाई घोड़ा घड़ियाल मोनटर लिजर्ड और टोटोटाइज तो ये एरिया है, है हिप्पो की हिप्पो तीन तीन दिख रहे हैं लेकिन सारे सारे पानी के अंदर घुसे हुए है हैं हिप्पो दरियाई घोड़ा वो देखिए मुंह खोल रहा है खा रहा है कुछ तो इनके लिए इन्होंने दो दो पॉइंट से बना रखे हैं इनको गर्मी लग रही है इसलिए ये अंदर घुसे हैं इसके। फिर ये वाली एरिया इन्होंने बना रखी है घड़ियाल की घड़ियाल का आगे कैसा बहुत पतला सा होता फिर यहाँ पे आपको ऊद बिलाव भी देखने को मिलेगा स्मूथ कोटेड वाटर हाँ अरे यहाँ तो पानी भरा हुआ अरे इस एरिया में पानी भरा हुआ तो ऊद पिलाव वैसे यहाँ अंदर भी आ जाता है लेकिन इस जगह को मेंटेन नहीं किया हुआ देखिए इन्होंने कैसे सा हुआ पड़ा ऊद पिलाव पता ही होगा कैसे सा दिखता फिलहाल हम पहुँच गए हैं लगभग अपने एग्जिट के पास में जहाँ से मंदिर आए थे जूके उसके पास हम आ भी गए अगली एरिया है यहाँ पे मोनिटर लिजर्ड की बहुत ही बड़ी छिपकली सी होती है ये कहाँ पे है ये कितनी बड़ी छिप के लिए है मोनिटर एक होती है वाटर मोनिटर लिजट और एक होती है नॉर्मल वाली और ये सामने है दूसरी वाली मोनीटर लिजड उसके बाद आपको लास्ट में वर्ल्ड ऑफ स्नैक्स यानी सर्प संसार देखने को मिलेगा और यहाँ पे वेनेमस और नॉन वेनिमस दोनों सांप देखने को मिलेंगे सबसे पहले वाला सांप है बैंडेड करेट घारीदार करैत ये मतलब इनकी काफ़ी बड़ी एरिया है वहीं कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं और उसके बाद यहाँ आ गया है रसल्स वाइपर और रसल्स वाइपर अंदर घुसा हुआ देख कैसा ये इसके अंदर घुसा हुआ रसल्स वाइपर और दूसरा वाला ये रहा इस कोने पर फिर यहाँ आ गया है इंडियन कोबरा इंडियन कोबरा देख तो नहीं रहा मेरे को यहाँ पर तो आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इनकी काफ़ी बड़ी एरिया है इंडियन कोबरा नहीं दिख रहा और उसके बाद यहाँ पे आ गया कॉमन किंग स्नैक ये भी कहीं नहीं दिख रहा कॉमन किंग स्नैक और फिर यहाँ आ गया है रॉक पैथन है नहीं अजगर देख गया अजगर है अजगर भी नहीं दिख रहा है यहाँ और उसके बाद यहाँ आ गया है ग्रीन ट्री पैथन ये तो बहुत छोटा सा होता है और इसको तो ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल कह सकते हो आप लाइक पत्ता जैसे होता है ना बिल्कुल वैसे ही है पतला सा पत्ता तो नहीं है भी है नहीं है कहाँ है और सांप तो एरिया तो काफ़ी बना रखे लेकिन दिख नहीं रहे कॉमन ग्रेट सामप है करात कोई भी नहीं है इंडियन सैंड था। है। ये तो इसके अंदर आ रहा और सेकंड लास्ट में मैं देखने को मिल रहा है रेड स्नेक रैड स्नेक कहाँ है रेड स्नेक कहाँ है, है कहीं भी नहीं है और फिर लास्ट में है चक्कर कील बैक ये भी कहीं नहीं दिख रहा ये भी कहीं नहीं है और ये एक्चुअली एग्जिट हो जाती है इससे पहले यहाँ पे और जीव है जो आपको देखने को मिलेगा और ये वाली जो एरिया है मगरमच्छ की है मगरमच्छ भाड़ा और यहाँ पे आपको कई मैग्रेटरी बर्ड देखने को मिलेंगे कुछ तो ये देखिए बहुत बड़ी लेक भी है यहाँ पे पीछे की तरफ हम एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो